ये एक शीट मिली हुई है जिसमें टाइप ऑफ न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं। जैसे सपोज करो एक प्लैंक है, हमने क्वेश्चन किया भी था कि एक बुलेट 100 सेंटीमीटर पे आ रहा है और 4 सेंटीमीटर जितना पेनिट्रेट करके रेस्ट पे आ जाता है, तो बताओ वी वेलोसिटी से अगर बुलेट आए और मैं चाहता हूँ कि वो 9 सेंटीमीटर तक जाए, तो इस प्लैंक के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगी? या हो सकता है वो ये क्वेश्चन पूछ ले कि 100 से आया, रुक गया 4 सेंटीमीटर पे, कितनी वेलोसिटी से इस बुलेट को एंटर करवाएं ताकि 9 सेंटीमीटर पे रुक जाए। हमने किया था एनसीईआरटी शीट में, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी याद है, जीरो फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी क्या थी, हाफ एम 100 स्क्वायर, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यही किया था इक्वेशन नंबर वन। फिर दूसरा केस यहां बनाया था, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और फिर दोनों इक्वेशंस को क्या किया था, डिवाइड, डिवाइड करके आपके पास आंसर आ गया था बी का, ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो ये एक टाइप की प्रॉब्लम है जो प्लैंक वाली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम जो आ सकती है, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं जी वेलोसिटी है ए एक्स रेस टू पावर 3/2, वेयर ए की वैल्यू कितनी है 5, तो यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई 5x^3/2, 5 पुट कर लो, ये करेक्शन करो, फाइंड वर्क डन है, फाइंड वर्क डन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर। आपको वर्क डन की वैल्यू बतानी है जब बॉडी 0 से 2 मीटर पे गई। जब बॉडी x इज इक्वल टू 0 पे है तो इनिशियल वेलोसिटी x को 0 पुट करो, 0 आएगी, और जब x की वैल्यू 2 मीटर है तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, 5×2^3/2, सही है। और मैंने आपको करवाया था वर्क एनर्जी थ्योरम से, अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितनी है, हाफ एम, वो हाफ एम इंटू फाइनल वेलोसिटी 5×2^3/2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। मास आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.5, सॉल्व करके आंसर जो आएगा वो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन होगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे वेलोसिटी गिवन है तो इनिशियल फाइनल निकाल के, काइनेटिक इनिशियल फाइनल निकाल के माइनस करके चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी आएगी। कोई डाउट इसमें? हालांकि मैंने किया भी हुआ है, अगर आप चेक करो घर जाकर आराम से देख भी लेना, ये सब मैंने किया हुआ है कि कैसे इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। पेंडुलम वाली प्रॉब्लम ऑलरेडी डन है, जितनी पेंडुलम की प्रॉब्लम थी वो ऑलरेडी मैंने सर्कुलर मोशन में करवा दी हुई है, जिसमें अगर आपको याद हो एक पेंडुलम यहाँ से या यहाँ से यहाँ जाता है तो एनर्जी कंजर्वेशन से वेलोसिटीज को निकाला जाता है, तो ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में डन है, करने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम हमने लास्ट टाइम की थी, आप अपनी कॉपी ओपन कर सकते हैं, लास्ट टाइम एनसीईआरटी की प्रॉब्लम थी कि अगर एक बुलेट आता है और ब्लॉक को टक्कर मारता है और बुलेट ब्लॉक के अंदर रेस्ट पे आ जाता है, और फिर कॉमन वेलोसिटी निकालनी होती है, मोमेंटम कंजर्वेशन, मैंने बताया था टक्कर से पहले मोमेंटम m1u1 और इसका मोमेंटम 0, कोलिजन के बाद m1+m2 कॉमन वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। फिर ऐसे क्वेश्चन भी करवाए थे कि अगर एक पेंडुलम लटक रहा है कितनी हाइट अटेन हो वो बताओ, तो लास्ट टाइम हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी डन है, ऑलरेडी डन है, फिर से डिस्कस करने का मतलब नहीं है, इसको बाद में करेंगे। प्रॉब्लम ऐसी भी आती है जिसमें आपको ये गिवन है, एफ वेक्टर गिवन है, और एक बॉडी को डिस्प्लेस किया जा रहा है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। अब ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, आर ए वैक्टर, आई कैप टू जे कैप माइनस 3 के कैप, आर बी वैक्टर क्या बनेगा, 2 i कैप 0 j कैप माइनस 5 k कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल, हमने वेक्टर चैप्टर में किया था, हमने किया था सीधा आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, आर बी वेक्टर बताए आर ए वेक्टर बताए, दोनों को माइनस करके एस वेक्टर, और फोर्थ वेक्टर आपको पता है, एस वेक्टर आपने निकाल लिया, डॉट प्रोडक्ट से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन, ऐसी प्रॉब्लम भी हमने की हुई है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एफिशिएंसी वाली प्रॉब्लम ऐसे की हुई है, इसको बाद में करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, अ कॉर्ड इज यूज्ड टू लोअर वर्टिकली अ ब्लॉक ऑफ मास एम, एक रस्सी है, कॉर्ड है, एक रस्सी है,
एक रस्सी से कोई मास m है, ये रहा, एक रस्सी को मैंने हाथ में पकड़ा, नीचे मास m लगाया और उसको ऊपर एक्सेलरेट करने की बजाय नीचे एक्सेलरेट करवाना शुरू कर दिया। तो मैंने रस्सी को कैसे पकड़ा, ऐसे ऊपर, और वेट उसका कहाँ लग रहा है, नीचे, और मैं उसे कहाँ मूव करवा रहा हूँ, नीचे नीचे। तो मैंने फोर्स कहाँ लगाई, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, नीचे नीचे। एंगल दोनों के बीच में 180। वर्क डन क्या आएगा, F इंटू डी इंटू कॉस 180। कॉस 180 नेगेटिव है तो मेरा वर्क डन नेगेटिव आएगा। पॉइंट नंबर वन, आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर मैं इसे एक्सेलरेट ना करवाता, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी रखता, तो मैं कितनी फोर्स लगाता m मास को ऊपर लेके या नीचे लेके जाने के लिए, mg जितना उसका वेट है। तो लास्ट टाइम एक शॉर्टकट किया था कि अगर हम नीचे एक्सेलरेट करवाने हैं तो mg यूज नहीं करना, फोर्स की जगह m इंटू जी माइनस ए। लिफ्ट वाले केसेस किए थे हमने लास्ट टाइम, एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम भी की थी कि अगर कोई पत्थर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो फोर्स m इंटू जी प्लस ए, नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो m इंटू जी माइनस ए। क्वेश्चन में जी आपको पता है, एक्सेलरेशन पता है, जी बाई फोर। तो यहां पर जी बाई फोर सॉल्व करके ये आंसर ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको मिलने वाला है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि मेन चीज है, ये तो नेगेटिव हो ही गया, फोर्स mg मत पुट करना। mg तब पुट करना जब आप कांस्टेंट वेलोसिटी से पत्थर को ऊपर नीचे लेके जा रहे हो, लेकिन अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हो और नीचे एक्सेलरेट कर रहे हो तो g माइनस ए, अगर ऊपर कर रहे हो तो g प्लस ए, लेकिन ऊपर कर रहे हो तो फिर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया नहीं, ये क्या मतलब, फोर्स ऊपर है, रस्सी को तो ऊपर ही पकड़ूंगा ना, रस्सी की टेंशन तो ऊपर ही होगी ना मास के साथ, स्ट्रिंग बना लो ना, पूरी रस्सी बना लो तो टेंशन ले लो तो भी क्या, ठीक। रोप वाला क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक ट्यूब है, एक ट्यूब है जिसमें लिक्विड है, देख रहे हो ये ट्यूब है, इसमें लिक्विड है, इसके अंदर ये लिक्विड को मैंने पकड़ के रखा हुआ है, ऐसे दबाया हुआ है, दबा दिया, तो मैंने कितना दबा दिया, H2, और यहां पर कितना दबा हुआ है, H1, मतलब दोनों के लेवल H1 H2 है। फिर मैंने इसको छोड़ दिया, जब छोड़ा तो लिक्विड लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कर करके कभी ना कभी तो रुक जाएगा, और लिक्विड कैसे रुक गया, यहां रुक गया, H हाइट पर रुक गया, क्योंकि लेवल दोनों लिक्विड का क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में सेम हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। तो क्वेश्चन है कि इस प्रोसेस में ये लेवल इसलिए इक्वल हुआ क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क डन किया, ग्रेविटी ने वर्क डन किया, ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, ये क्वेश्चन है इसको इक्वलाइज करने के लिए। जब मैं ये बोलता हूं कि इसने इक्वलाइज किया, आपको क्वेश्चन में H1 H2 गिवन होगा, आपको H नहीं गिवन होगा, पहले H निकालते हैं। आप अगर ये बॉटम वाले लिक्विड को 2 मिनट छोड़ दें, सिर्फ वर्टिकल लिक्विड को देखें, इसका एरिया A है तो वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू H1, इसका वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू H2, इसका वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू H, इसका वॉल्यूम कितना है, एरिया। लिक्विड उड़ तो गया नहीं, रहेगा तो वर्टिकल ट्यूब में ही, तो वॉल्यूम रिमेन्स सेम। लेफ्ट और राइट का वॉल्यूम पहले इक्वल करो और यहां से सॉल्व करके पहले H निकालो, H की वैल्यू क्या आ गई, H1 प्लस H2 बाई 2। कोई डाउट इसमें, हाइट की वैल्यू आ गई यहां पे। अब नेक्स्ट है, वो कह रहे हैं कि अब इस केस में इस लिक्विड, ये लिक्विड देखना, ये वाला लिक्विड, इस लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अब क्योंकि लिक्विड का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम कॉन्सेप्ट किसका यूज करेंगे, सेंटर ऑफ मास का। तो मान लो इस लिक्विड का मास m है जो कितनी हाइट पे पड़ा हुआ है, h1 बाई 2 पे, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mg इंटू h1 बाई 2, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अब मास ऑफ लिक्विड इस पूरे ट्यूब में क्या पड़ा होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g इंटू h1 बाई 2, और वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू h1, एरिया इंटू h1 इंटू डेंसिटी इंटू g बाई h1 बाई 2, ये क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, सही है। तो मतलब एम जी एच लगाया, सेंटर ऑफ मास से H1 बाई 2 किया,
मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी किया, वॉल्यूम ट्यूब का निकाल दिया और पुट कर दिया। ये देखो, तो ये किया हुआ है। पहली फिगर में लेफ्ट साइड पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू एच वन बाई टू, मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये आंसर आ गया। फिर राइट साइड ऑफ ये वाला पोर्शन, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, कुछ नहीं करना, एच वन की जगह रिप्लेस कर देना है कितना, एच टू। पहली फिगर की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी, इन्हें ऐड करके ये आ गया, दिस इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लेफ्ट फिगर। अब राइट फिगर की बात करें, राइट फिगर में कोई चेंज नहीं है, एच वन एच टू की जगह हाइट एच और एच है, तो एच और एच पुट कर दिया, ये राइट फिगर की पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और एच को क्या पुट कर दिया, एच वन प्लस एच टू बाई टू जो निकाला था अभी। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ही अमाउंट ऑफ वर्क डन है, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया, सिंप्लीफाई किया, ऑब्जेक्टिव में ढूंढ लेना, ऐसा कुछ ऑप्शन आपको मिलेगा। नीट में नहीं आएगा, स्कूल में नहीं आएगा, मेंस के पेपर में पी वाई क्यू के अंदर आया हुआ है, रेगुलर आने वाला तो नहीं है, बट कभी तो आया ही हुआ है, डाउट की फॉर्म में तो आ ही जाएगा मेरे पास, तो मैंने करा दिया। मुझे पता नहीं नीट में छोटे लेवल पे आ जाए, मैं कह नहीं सकता, कोई छोटा बना दे एक कुछ कर दे, मैं कह नहीं सकता, पर लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे करना है, बुक्स में मिलेगा आपको। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो मेरे ख्याल से